हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइक एंड ट्रिप। सो मेरे राइनो के ऊपर जो जो मैंने इंस्टॉल किया वो सब कुछ आप लोगों को पता चल ही गया है। एंड अब आप लोग देखोगे इंडियाज मोस्ट लोडेड ZX Tenor 2023। भाई भर भर के उसमें एक्सेसरीज इंस्टॉल किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो जो एक्सेसरीज इंस्टॉल किया गया है वो काम का नहीं है, सब के सब काम का है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है वो सब एक्सेसरी इंस्टॉल करने के बाद। और भी बहुत कुछ इंस्टॉल होगा करना बाकी है, उसके बाद तो भाई ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। सो देखो वीडियो एंड उसके बाद फिर मिलते हैं इसी जगह पर। भाई इधर ना और एक टेनर है, मतलब मेरे रैनो का ही एक भाई है। ये भी 2023 वाला एडिशन है, कलर स्कीम अलग है और ये कलर स्कीम अलग ही है, एकदम ही अलग है। हा? और ये जो बाइक आप लोग देख रहे हो ये अभी तक का मोस्ट लोडेड टेनर मुझे दिखाई दे रहा है ना मासूम भैया, मोस्ट लोडेड। तो इसमें क्या क्या है ये बताइए। तो पहली बात, इसके अंदर कार्बन फाइबर के विंगलेट्स लगे हुए हैं। 40,000 रुपीज का ये है। 40,000, ओके। कार्बन फाइबर के काबून के मोटरगार लगे हुए हैं। 15,000 रुपीज का ये है, ओके। कार्बन ये भी कार्बन फाइबर के हैं, काबून के हैं। ये एयर कूलिंग डक बोलते हैं, ये क्या करता है कैलिबर को ठंडा करता है। मतलब जब गर्मी के टाइम होता है ना तब ये ठंडा रखेगा, यहाँ से एयर लेता है और यहाँ रिलीज करता है, ओके। तो ये इसको कैलिबर को ठंडा करता है, ओके। और फिर हम आते हैं इसके लीवर पे। हाँ, ये फोल्डेबल लीवर है। ओ भाई, और इसमें थोड़ा सा लीवर सॉफ्ट हो जाता है, काफी कंफर्टेबल हो जाता है। और इसमें जो पॉइंट है राइट साइड वाले में काफी ज्यादा एडजस्टिंग वाले पॉइंट है। इससे ज्यादा पॉइंट किसी में भी नहीं मिलता, जितना चाहो उतना पास कर लो। ओके, अरे भाई बहुत तक, बहुत पॉइंट तक जाता है। उसके बाद इसके अंदर लगा हुआ है प्यूक का। ये मुझे चाहिए, मैं लगाऊंगा बाद में, बहुत अल्टीमेट चीज है। हाँ, इसमें मोटो गैजेट का लगा हुआ है इंडिकेटर। अच्छा, ये इंडिकेटर मतलब ये रिलायबल है या फिर नहीं? नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छा है, ये मोटो गैजेट का, ये आपको मेरे हिसाब से 24,000 रुपीज का ये इंडिकेटर है, पेयर। ओके, पेयर 24,000, तब तो रिलायबल हो गई, काफी तेज है और यूजफुल चीज है, ठीक है। ओके, ये हो गया। बाकी बेसिक आइटम इसके अंदर देखा था, ट्यूब का विंडशील्ड है, ट्यूब का स्क्रीन हो गया। इसमें ओलियंस का स्टेरिंग डैम्पर है। अच्छा, इसका खासियत क्या है? टैंक स्लीपर के चक्कर में इसमें 23 पॉइंट है, उसके अंदर मैनुअल लगा हुआ है, उसके अंदर वो ऑटोमेटिक खुद एडजस्ट करता है। इसके अंदर हम क्या है कि हम हाईवे के हिसाब से हम खुद एडजस्ट करके चल सकते हैं। इसमें एयर फिल्टर कवर जो है कार्बन फाइबर के, ये भी काबून के हैं। इस पार्ट का प्राइस कितना है? ये 14,000 रुपए का ये भी है। ओके, 14,000, ओके। 14,000 रुपीज का आपका ये है। ये जो लीवर आपको मैंने बताया था, ये लीवर आपको 25,000 रुपीज का लीवर है, ये वो पेयर ना। हाँ, पेयर। अच्छा, इसके अंदर ऑयल पंप सॉक्स भी डला हुआ है। 1,000 रुपीज का ये आता है प्यूब का। इसके अंदर आप देखोगे तो सॉकर सॉक्स भी डला हुआ है। टायर में क्या ये आपको 1,800 रुपीज का पड़ता है। फिर इसके अंदर हेल की ब्रेक लाइन डली हुई है, स्टील ब्रेक लाइन। ओके, जो आपका इसमें लगा है, क्या नाम है, GSG का फोर्क स्लाइडर, वो सेम मेरे में भी लगा हुआ है। यही सेम आपके में भी है। ओके, आप आवाज जाओ, इसमें GSG का ही फ्रेम स्लाइडर्स है। बोना मिसी का आपका इंजन कवर है, ये लगाऊंगा मैं बाद में। हाँ जी, ये मैग्नेट कवर है और क्रैंक कवर भी है, दोनों साथ में है इसका। ओके, और इसके अंदर इवोटेक का रेडिएटर गार्ड भी है। इवोटेक का है ना? हाँ जी, जो आपकी गाड़ी में लगा। अच्छा अच्छा, इसमें आपका ये चेसिस कवर भी है। चेसिस कवर ही है? हाँ जी, हाँ जी। इसका प्राइस कितना आता है? इसका प्राइस जो है 5,000 रुपीज आता है। ओके, फिर इजी ग्रिप हो गया इसके अंदर। टैंक स्लाइडर्स कार्बन फाइबर के हैं, BMC का इसके अंदर एयर फिल्टर है। और पीछे आओगे आप तो GSG का ही स्पूल मिलेगा आपको इस गाड़ी के अंदर। GSG का रियर फोर्क स्लाइडर है इसके अंदर। और SC का S1R टाइटेनियम एग्जॉस्ट है। और इसके अंदर एक चीज और बता दीजिए जो बहुत ही लिमिटेड बाइकों में दिखेगा, ये हैंगर इवोटेक के हैं। ये कुछ अलग ही है, ये
और ये आपने देखा होगा, ये जो आप देख रहे हो क्या है, ये इंडिकेटर है। अच्छा, ये इंडिकेटर है। हाँ जी, ये डे लाइट भी है। ओके। और ब्रेक लाइट भी है और इसके अंदर इंडिकेटर भी है। ये काफी तेज इसका इंडिकेटर, इसका भी फ्लैशर निकला हुआ, इसे ऑन नहीं हो सकता। ओके, ये ओके। और इसके अंदर देखो तो टीएसटी का टेल लाइट भी है। अच्छा, ये टीएसटी का, ये अलग है। अच्छा, इसमें बहुत सारे 6-7 पैटर्न पैटर्न होते हैं इसके अंदर फिलिंग करने का, और टीएसटी का ही ये तो टेल डेट आईडिया। और इसके अंदर फिर क्या नाम है, किधर आप देखोगे, ईवोटेक का ही ब्लैक और प्लेट भी है। अच्छा, इसमें भी तो ये इंडिकेटर है ना। हाँ, इसमें भी इंडिकेटर है। ये जैसे ये पेच है, ये पेच की जगह पे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इंडिकेटर जो है आपका 24,000 रुपीज का पेयर है। 24,000 रुपीज पेयर दोनों। ग्रेट है। और इसका जो अभी जो सामान रखा हुआ है, इसके कार्बन फाइबर के कवर रखे हुए हैं, ये भी कार्बन फाइबर का रखा हुआ है, ये भी कार्बन फाइबर के रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें अभी लगने बाकी है, अभी रखा हुआ है, लगाना है लगाना गाड़ी के अंदर। मोस्ट लोडेड टेनर अभी तक, बहुत अच्छा लगा। और ये जो क्लच एंड ब्रेक लीवर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा हूँ इसको लगाने का, बाद में लगाऊंगा। बहुत अच्छा है, मोस्ट लोडेड टेनर अभी तक। अब देखो एक बार साइड बाय साइड, ये मेरा नया वाला है, स्टॉक में है ये, बस कुछ कुछ चेंजेस किया है मैंने। और यहाँ पर देखो, दोनों 2023 एडिशन है, और ये व्हाइट एंड ग्रीन, एंड ये है ग्रीन एंड रेड एंड ब्लैक। और नहीं बताया हुआ है, तुमने लगा 28,000 रुपीस का ये, इसका इसका प्राइस 28,000। भाई देखो, बाइक बहुत ही प्यारी चीज़ होता है बाइकर के लिए, तो ऐसे सजाया जाता है बाइक को। मैं भी एक दिन सजाऊंगा, अपने हिसाब से सजाऊंगा। बहुत ही अच्छा लगा। और एसी का एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना कैसा है। बढ़िया। आपका ज्यादा लाउड है। हाँ, मेरा ज्यादा लाउड है, यही मैं एक बार ये भी स्टार्ट करके, हाँ ये भी एक बार देखो भाई, मैं सामने नहीं बोल रहा हूँ भाई। ओ भाई अब मेरा वाला लाउड है, मैं मान गया। चलो, हाँ डिविकलर निकला है, डिविकलर निकला है। तो देखा गाइस, ये सब इंस्टॉल किया गया है इस बाइक के ऊपर, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें से विंगलेट एंड जो फ्लेक्सिबल आपने क्लच लीवर देखा आपने, वो ये दो चीज़ मुझे बहुत पसंद आया है। एंड देन उसके बाद कार्बन फाइबर का कुछ पार्ट मुझे बहुत पसंद आया है, वो मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि वो सब बहुत एक्सपेंसिव है। अभी तो इतना मोटा खर्चा हो चुका है, उसके बाद मैं ना अभी कुछ खर्चा करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि इसको लेके मुझे राइड भी करना है, तो राइड में भी बहुत सारा पैसा जाता है। और इसको लेके फर्स्ट टाइम मैं कुछ राइड का प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा ही दूर, क्योंकि धीरे धीरे इसको लेके मुझे दूर जाना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो इसलिए अभी मैं इसके ऊपर कोई भी एक्सेसरीज नहीं लगाऊंगा, जो मैंडेटरी एक्सेसरीज है वो सब कुछ मैं लगा दिया राइनो के ऊपर। एंड बस अब टाइम इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब इसका नंबर प्लेट आ जाए, उसके बाद मैं इसको लेके राइड पे चला जाऊंगा। बहुत जल्द मुझे इसका नंबर प्लेट मिल जाएगा दिल्ली से, एंड दैट्स इट, उसके बाद दवाई होगा तब। एंड यहाँ पर देखो, मैंने अपना जो बाइकर ड्रुप का स्टिकर है वो लगा दिया है। अगर किसी को ये स्टिकर चाहिए तो मुझे ज़रूर DM करना, मैं उसको दे दूंगा। एंड रिसेंटली मैं एक मीटअप का सोच रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा देन मैं मीटअप डेट अनाउंसमेंट कर दूंगा, वो भी लाइव पे आके, इंस्टाग्राम लाइव पे। आज के लिए वीडियो यही तक गाइस, एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड राइड सेफ, एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। जो बैक टू बैक दो वीडियो आया उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, ऐसे ही रिस्पांस करते रहो। एंड मैं तो भाई धमाका देते ही रहूँगा ऐसे ही। सो बाय बाय, मिलता है दूसरे वीडियो में।